नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त उत्तम आशीष स्वागत करता हूँ मेरे चैनल बिस्क्राम टेक वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं लेटेस्ट आईफोन SE 2020 का फुल डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। साथ में मैं गेमिंग टेस्ट भी करूँगा। तो मैं यहाँ पे 3 गेम्स टेस्ट करूँगा, फोर्टनाइट, कॉल ऑफ ड्यूटी और पबजी। सभी गेम्स मैं हाईएस्ट सेटिंग्स पे खेलूँगा और मैं इसमें हीट टेस्ट और बैटरी ड्रेन टेस्ट भी करूँगा, कितना बैटरी ड्रेन होती है। साथ में आप देख सकते हो मेरे सामने 3 आईफोन है, तो मैं इसमें से 2 आईफोन का गिवे करने वाला हूँ। तो मेरे इस गिवे में पार्टिसिपेट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इस गिवे का विनर अनाउंस करूँगा इस वीडियो पर 300 लाइक्स कम्प्लीट हो जाने के बाद। अब बात करें इस स्मार्टफोन की, तो ये 4.7 इंचज़ का HD रेटिना डिस्प्ले के साथ आता है और इसमें हमें एक सिंगल बैक कैमरा मिलता है 12 मेगापिक्सल का, और ये 3 GB RAM वेरियंट के साथ आता है। और इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये 1821 मिली एम्पियर की लिथियम आयन बैटरी के साथ आता है, जो बहुत ही छोटा बैटरी है। बात करें इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये iOS 13 के साथ आता है और इसमें जो हमें प्रोसेसर देखने को मिला है वो लेटेस्ट प्रोसेसर है जो iPhone 11 Max में यूज हुआ था। तो इसमें A13 बायोनिक चिप लगा हुआ है, जो 7 नैनोमीटर बेस्ड एक हेक्सा कोर प्रोसेसर है। साथ में हमें एप्पल का GPU मिलता है, 4 कोर ग्राफिक्स। और इसके इंटरनल मेमोरी की बात करें तो 64 GB, 128 और 256 GB 3 GB RAM वेरियंट के साथ आता है। मैं सभी गेम्स को हाई सेटिंग से खेल रहा हूँ। जैसा आप देख सकते हैं, मैं पबजी और फोर्टनाइट को मैक्सिमम सेटिंग पर रखा हुआ हूँ और कॉल ऑफ ड्यूटी को भी जितना मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग्स है। तो आप लोग गेम इंजॉय कीजिए और कमेंट कीजिए नीचे कि आपको इसका गेम मेरा गेम प्ले कैसा लगा। तो आप देख सकते हो कि सभी गेम्स बहुत ही स्मूथली चल रहे हैं, सभी 60 FPS मैक्स पे चल रहे हैं। फोर्टनाइट 60 FPS को कांस्टेंट रखे हुए बहुत आसानी से बहुत स्मूथली प्ले हो रहा है। पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत ही आसानी और पावरफुल से चल रहे हैं। तो मैं इसकी बैटरी ड्रेन की बात करूँ तो लगभग 1.1% ये बैटरी ड्रेन हो रहा है इसमें। मैंने 15 मिनट लगभग 15 टू 18 मिनट का एक गेम खेला जिसमें मेरा 15% बैटरी ड्रेन हुआ है।
तो आप कह सकते हैं अगर कोई अगर इसमें गेमिंग करेगा तो मैक्सिमम 1.5 घंटे तक 100% चार्ज में ये गेमिंग कर सकता है। साथ में फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, लेकिन इन बॉक्स में 5 वाट का चार्जर केवल देखने को मिलता है, और ये 18 वाट का फास्ट चार्जर के साथ आता है, और ये वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। अब इसकी टेम्परेचर आप देख सकते होंगे कि 100 डिग्री फॉरेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस हो गया है, वो केवल आधे घंटे गेम प्ले के बाद। तो हीटिंग तो बहुत ही हो रही है, लेकिन इसमें हमें कोई भी लैग या ग्राफिक्स में कोई भी कमी देखने को नहीं मिली है। फ्रेम ड्रॉप नहीं हुए, 60 FPS कॉन्स्टेंट बना हुआ था किसी भी गेम्स में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए इसके पर्पज़ से लेना चाहते हैं तो गेमिंग के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें बैटरी ड्रेन बहुत तेज़ी से होती है। इसमें आपको परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं मिलेगी, लेकिन बैटरी बहुत इसमें छोटा दिया गया है परफॉर्मेंस वाइज बात की जाए, और डिस्प्ले भी इसका काफ़ी छोटा है। लेकिन अगर आप आईफोन लवर हैं और आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन लेना है और आईफोन का आपके पास बजट कम है, तो आप इसे ले सकते हैं बिना किसी डाउट के, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है इस स्मार्टफोन में। साथ में लेटेस्ट Wi-Fi 6 के साथ भी आता है, तो आपको इंटरनेट इशू नहीं होगी अगर आपके पास Wi-Fi 6 वाला राउटर है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया। अगर आपका कोई सवाल है सुझाव तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब और कीजिए। धन्यवाद।